यह हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि भारतीय मूल के लोग सारी दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रहे हैं। वैसे तो अलग अलग समय में भारतीय मूल के अनेक लोगों ने मुख्य पद संभाला है, उनके बारे में बाद में जानेंगे। सबसे पहले हैं भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ये हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात हो गई। ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। यदि वो ब्रिटिश पीएम बनते हैं तो किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में कार्यरत भारतीय मूल के वो छठे व्यक्ति होंगे। उन्होंने कहा है कि चीन सबसे बड़ा खतरा है, अगर वो ब्रिटेन के पीएम बनते हैं तो बहुत सख्त एक्शन लेंगे। अन्य लोगों के बारे में जानते हैं, मोहम्मद इरफान अली, ये राष्ट्रपति हैं गुयाना के। भारतीय मूल के मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति बनने वाले पहले मुस्लिम हैं। 2020 में उन्होंने राष्ट्रपति पद संभाला था। शहर एवं क्षेत्रीय योजना विषय पर पीएचडी कर चुके इरफान अली राष्ट्रपति बनने से पहले गुयाना में पिछली सरकार में अहम मंत्रालय संभालते थे। एंटोनियो कोस्टा, प्रधानमंत्री पोर्टुगल। भारत की ओवरसीज सिटीजनशिप रखने वाले कोस्टा ने 2015 में पुर्तगाल का प्रधानमंत्री पद संभाला था। 2017 में उन्हें प्रवासी भारतीय के रूप में सम्मानित किया गया था। 61 वर्षीय कोस्टा का परिवार गोवा से जुड़ा हुआ था। प्रविंद जगन्नाथ, ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। वर्ष 2000 में सक्रिय रूप से राजनीति में कदम रखने वाले प्रविंद जगन्नाथ, इन्होंने 2017 में मॉरिशस के प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी। उनके पिता अनिरुद्ध जगन्नाथ भी मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रह चुके थे। अगले हैं पृथ्वीराज सिंह रूपण, राष्ट्रपति मॉरिशस। 2019 में मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने पृथ्वीराज सिंह रूपण का परिवार आर्य समाजी है। 1959 में जन्मे रूपण ने 1983 में राजनीति में कदम रखा था। मॉरिशस की पिछली सरकारों में अलग अलग मंत्रालय संभालते थे। अगले हैं चंद्रिका प्रसाद संतोषी, राष्ट्रपति सूरीनाम। भारतीय मूल के हिंदू परिवार में जन्मे चंद्रिका प्रसाद संतोषी ने 2020 में सूरीनाम में राष्ट्रपति का पद संभाला था। राजनीति में आने से पहले संतोषी पुलिस में थे। 1989 में उन्हें नेशनल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का प्रमुख और 1991 में पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया था। अनेक अन्य भारतवंशी अलग अलग महत्वपूर्ण पदों पर हैं, जैसे अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, गुयाना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव इन देशों के उप शासनाध्यक्ष हैं। आयरलैंड के लियो वराटकर को भी इसी सूची में स्थान दिया जाता है। अब जानिए कौन कौन कब कब अलग अलग देशों में राष्ट्राध्यक्ष रह चुका है। 9 राष्ट्राध्यक्ष रह चुके हैं मॉरिशस में अब तक। भारतीय मूल के जो लोग थे वे 3 भारतीय मूल के लोगों ने सिंगापुर की कमान संभाली है। 5 भारतवंशी अब तक राष्ट्रपति बने हैं सूरीनाम के। 4 भारतवंशियों ने अब तक संभाली है गुयाना के राष्ट्र प्रमुख की जिम्मेदारी। इसके अतिरिक्त त्रिनाद एवं टोबैगो, पोर्टुगल, मलेशिया, फिजी, आयरलैंड में भी अलग अलग समय पर भारतीय मूल के लोग राष्ट्र प्रमुख अर्थात राष्ट्राध्यक्ष रह चुके हैं। ये जानकर आपको खुशी होगी, गर्व होगा कि हमारे देश के भारतवंशी पूरी दुनिया में अलग अलग ऊंचे ऊंचे पदों पर राज कर रहे हैं।